अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इमली की ज़बरदस्त किस्म की चटनी धनिया पुदीने के साथ है, जो अमूमन हमारे घरों में बनती है, लेकिन मैं आज इमली के पत्तों से इमली की चटनी आपको बनाना सिखा रही हूँ। जिसके लिए मुझे इमली का एक बोरा मैंने लिया है, इसके पत्ते लिए हैं ये लूँगी, और धनिया जाएगा आधी प्याली, मैंने आधी गुठी ली है, ठीक है, पुदीना आधी गुठी ली है मैंने, और पुदीना धनिया से ज़्यादा मैंने लिया है, इमली का पल्प लिया है, और मसालों में मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून मैंने लिए है नमक या हसबे जायका लीजिएगा, और 4 से 5 जवे मैंने लिए हैं लहसुन के, और हरी मिर्च 3 अदद ली है, और इसके जो पत्ते हैं वो हम तोड़ के इस तरह से कटोरी में डालेंगे। और अगर आपके पास पुदीने इसके इमली के पत्ते नहीं हैं तो इमली का पल्प आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपको खट्टा रखना है उसके मुताबिक रख सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसको पत्ते उतार दिए हैं, और हम अब इसको ग्राइंड करेंगे तमाम चीज़ों को, इमली की इसमें से गुठलियाँ निकाल देंगे। 4 चम्मच मैंने इस इमली का पल्प जो है लूँगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा, लाइक कीजिएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी। अमूमन ये चटनी जो है चावलों के साथ खाई जा सकती है, पकोड़ों के साथ खाई जा सकती है, और हम तो हर सालन के साथ, सब्जियों वगैरह के साथ, दाल के साथ लाजमी ये चटनी खाते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए आपको बनाना सिखाते हैं, सब कुछ ग्राइंड करते हैं। मेरे के हम तमाम मसालेदार जो है ग्राइंडर के अंदर डालेंगे, पुदीना, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और ये इसके पत्ते, इसका ये, और जी नाज़रीन ये देखें मैंने सब चीज़ें ग्राइंडर में डाल दी हैं, और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। इमली का पल्प भी डाला है मैंने, बिस्मिल्लाह। तैयार हो चुकी है, और हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हमारी चटनी जो है तैयार हो चुकी है, ये आप पकोड़ों के साथ खाइएगा, बरसात का वैसे भी बहुत मौसम है, और इसको एंजॉय कीजिएगा पकोड़ों के साथ, और चावलों के साथ, दाल के साथ, हर सब्जी के साथ, जिसके साथ भी, और इसमें लहसुन शामिल है, तो इसमें जो आपके लहसुन है वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक को जो है मजबूत करता है, बहुत अच्छा करता है, और ये हमारी चटनी तैयार है।